क्लास 8, यू मस्ट हैव गिवन कोल एंड पेट्रोलियम टेस्ट एंड व्हाट योर टीचर्स हैव टोल्ड मी दैट यू हैव नॉट डन दिस क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन करेक्टली, राइट? सो बेटा, आई एग्री कि ये डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है, बट दीज वर द थ्री क्वेश्चन. एवरीबडी हियर, सब बैठ जाओ, बस एकदम अपनी सीट्स पे सेटल डाउन. कि कंफ्यूजन कि ये सॉइल की लेयर्स है, किस चीज की लेयर्स है, ठीक है? सिर्फ डायग्राम दिया हो और ये चीजें तो नहीं थी ऑब्वियसली, है ना? तो इसको देख के कंफ्यूजन, बट दीज वर द क्वेश्चन, व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट, लेबल ए बी सी एंड डी. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच प्लांट्स फॉर्म कोल. तो बेटा कुछ चीजें देखकर आपको क्या करना चाहिए था अकॉर्डिंग, ठीक है? कि हमने कि भी यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में कोल की बात हो रही थी, क्योंकि जो एक पैराग्राफ होगा या जो पिक्चर होगी उसके सारे क्वेश्चंस उसी से ही रिलेटेड होंगे. तो जब यहाँ पे कोल आ गया था, ऐसा बेटा चीज होगी, कई बार कंफ्यूजन में हो जाता है, ठीक है? तो जब कोल आ गया था तो आपको ये चीज देखनी चाहिए थी कि दिस इज दीज लेयर्स रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है? तो कई बार अगर डायग्राम नहीं समझ में आता किस चीज का है, तो सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, है ना? और उनमें से आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा कि ये किस चीज का डायग्राम है. इज इट ओके? ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये क्या चीज था? व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट? दिस डायग्राम रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है? दूसरा, लेबल ए बी सी एंड डी. तो हमें क्या करना था? ये ए था पीट, देन लिग्नाइट, बिटुमन एंड एंथ्रासाइट. और आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए था कि टेस्ट ही कोल एंड पेट्रोलियम का है, तो और क्या चीज हो सकती है? कोल एंड पेट्रोलियम का टेस्ट है, लास्ट में कोल के बारे में बात हो रही है, तो क्यों इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉयल या सॉयल की लेयर्स कैसे आ गई, राइट? ठीक है, इतना तो आपको, इतने बड़े बच्चे हो गए हो, एट्थ क्लास में हो, यू शुड यूज योर जीके, जनरल नॉलेज आपको जो है, जनरल एप्टीट्यूड यू कैन से यू हैव टू यूज दैट, ठीक है? एंड विच प्लांट्स फॉर्म कोल आफ्टर डेथ, यू नो फॉन्स. Ferns form coal after death, and in which areas coal is formed? That is marshes. Marshy या फिर boggy areas. इट क्लियर? समझ में आ गया? अगर ये आपके एग्जाम में आ जाएगा तो अब आप कर लोगे, यस और नो? अपने माइक्स ऑन कर लो और मुझे यस नो में आंसर जरूर करो, ठीक है? सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू नाउ, ठीक है? कोल एंड पेट्रोलियम का जो है वो टेस्ट था, कोल के बारे में, पेट्रोलियम तो पानी में बनता है, तो पानी तो दिखाया नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कोल फॉर्मेशन ही होगी. कैसे एटमोसफेयर की लेयर्स आपने लिख दी, कैसे सॉयल की लेयर्स लिख दी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? इज इट ओके नाउ? चलिए, अब हम बात करते हैं. सो वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? सो लेट्स डू ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहले तो फर्स्ट पुट योर डे टू डे,
आज की डेट जरूर डालो कॉपी में और ऊपर टॉपिक लिखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? सो ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेक्सुअल? एनीबडी, यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? हाँ जी, एट्थ ए में मिडल रो में से बेटा सेकेंड बेंच में से जो बॉय है लेफ्ट साइड में, वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ माइक के पास आओ एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल. माइक ऑन करो पहले. हाँ, यूनी का क्या मतलब है बेटा, पहले तो बताओ. Having one sexual. यूनी मतलब वन, है ना, और सेक्सुअल का क्या मतलब हुआ? Sex सेक्स ऑर्गन्स मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स. बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो. यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट. सो यूनिसेक्सुअल मीन्स देयर आर, यू हैव टू राइट डाउन, देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल. सेकेंड पॉइंट है, ह्यूमंस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. यहां पे ये दो वर्ड से बना है. कौन से दो वर्ड्स है? डाया और दूसरा है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी से मॉर्फिज्म. ठीक है, सो दो वर्ड से है डाया एंड मॉर्फोलॉजी. डाया मीन्स टू, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपियरेंस. है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो साथ ही जो भी नर्स है या डॉक्टर है वो साथ ही बता देती है कि लड़का है कि लड़की पैदा हुई है. तो कैसे? कि दोनों के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है. दैट्स व्हाई हम जो है मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वी कैन डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश मीन्स पहचानना. डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल एक्सटर्नली. वी कैन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल एक्सटर्नली. बेटा एक मिनट, चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या है, कौन से पार्ट्स है? ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बेटा प्राइमरी, ध्यान से सुनना है फिर लिखना भी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड फिर आ जाते हैं डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। एट सी बेटा, आराम से इधर। ह्यूमन कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल या फीमेल, वी हैव टू मेन पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंड पार्ट्स आर डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। सेटल डाउन क्विकली, एट थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, व्हाट डू यू मीन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मीन्स फर्स्ट अंडरस्टैंड देन राइट, विच प्रोड्यूस गैमीट्स, विच प्रोड्यूस गैमीट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डक्ट्स एंड ग्लैंड्स? दे हेल्प इन मेथिलेशन एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स। बेटा ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स एंड और सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स? सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, दे हेल्प इन मैच्यूरेशन एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स। सो लेट्स सी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, वेयर इट इज प्रेजेंट, व्हाट डज इट प्रोड्यूस? लेट्स सी दैट। दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेल, ये एब्डोमिनल पार्ट है। These are the lower limbs, means legs की बात हम कर रही हैं। ध्यान से सुनना है एंड ऑलवेज रिमेम्बर एज वी हैव स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वन ऑफ दैट सिस्टम। डोंट फील कि भी हाय मैम क्या पढ़ा रही है, हाय हमने सुनना नहीं है। नहीं, दिस इज अस फिजियोलॉजी। जैसे आपका यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है? इसमें हमें हॉर्स क्या है, ये है, शर्म है, ये नो, इट इज वन ऑफ द सिस्टम, ठीक है? एंड यू शुड नो, क्योंकि हम जो है इसमें हम आपस में डिस्कस करने में हम शर्म करते हैं, पेरेंट्स हमें इस चीज के बारे में नहीं बताते, ठीक है? तो अगर हम स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा? एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से हमने समझना है। इन बिटवीन द लेग्स देयर इज प्रेजेंट, यू नो,
इस तरह की सैक, देयर इज प्रेजेंट अ सैक, एक थैली है, अ सैक ऑफ स्किन, एंड व्हाट इज दिस सैक कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, एंड इन द स्क्रोटम देयर इज प्रेजेंट वन पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर्स. आई होप इज इट क्लियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, येस और नो में मुझे आंसर दो माइक ऑन करके. ठीक यस है, इन स्ट्रक्चर्स को इस स्क्रोटम के अंदर, इन साइड स्क्रोटम देयर आर, देयर इज प्रेजेंट अ पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिस. टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. एंड हेयर वन मोर थिंग, बाहर हमें क्या दिखता है, एक्सटर्नली इन मेल्स वी कैन ऑब्जर्व स्क्रोटम, वी कैन ऑब्जर्व दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम, इनसाइड स्क्रोटम इज प्रेजेंट टेस्टिस. व्हाट एल्स कैन बी सीन इन मेल्स एक्सटर्नली, सो वी सी दैट हेयर देयर इज ए स्ट्रक्चर, अ दिस इज कॉल्ड एज पेनिस, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस हैज टू फंक्शंस, पासिंग आउट यूरिन एंड पासिंग आउट सीमन या स्पर्म्स या गैमेट्स. दैट्स व्हाई पेनिस, क्योंकि बिकॉज इट हैज टू फंक्शंस यूरिन एंड स्पर्म्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरिनो जेनिटल डक्ट. डक्ट मीन्स पाइप, यूरिनो जेनिटल बिकॉज इट पासेस यूरिन, इट पासेस गैमेट्स, दैट्स व्हाई इट इज यूरिनो जेनिटल पाइप या यूरिनो जेनिटल डक्ट. राइट, ध्यान से समझना है, पहले बनाएंगे हम अलग से, ठीक है, जो बनाना है डायग्राम वी विल ड्रॉ इट सेपरेटली, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. So now what happens that these are testes and why it is called as primary sex organ. Yes, eighth B में middle row में first girl. हाँ जी बेटा, mic on करो and tell me what is the function of testes due to which it is called as primary sex organ. हाँ जी एट बी बेटा, आपने ना अपना वो कर दिया, अपना ऑफ कर दिया, वीडियो ऑफ कर दिया, वीडियो ऑन करो. चलिए एट ई में से, मिडिल रो में से, लास्ट वाली गर्ल्स में से आ जाओ एक स्टूडेंट, जल्दी से क्विकली. व्हाई टेस्टीज, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई टेस्टीज आर कॉल्ड एज एवरीबडी एल्स, व्हाई टेस्टीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. पहले से गुड मॉर्निंग, देखिए माइक वर्किंग है आपका क्या नहीं, जोर से बोलना है मैम, जरा इनका माइक चेक करें प्लीज. एट बी बेटा आपका वीडियो ऑफ हो गया है, हाँ वीडियो ऑन हो गया, बट अपना ऑडियो भी चेक करो जरा. यस यस मैम, हाँ जी, चलिए अब बताइए, एट सी अपना ऑडियो चेक कीजिए, एट बी बताइए व्हाई टेस्टीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जल्दी से.
बिकॉज अगर आप बोल रहे हो तो मुझे सुन नहीं रहा है। यस एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम 8th B? मॉर्निंग हाँ मैम। जी हाँ 8th E। बताओ बताओ बताओ, कोई स्टूडेंट बताइए। व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? सिंपल बेटा, बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमेट और सेक्स सेल्स। बिल्कुल ठीक है, सिंपल ठीक है। बैठो बेटा, एवरी स्टूडेंट सिट डाउन। व्हाई टेस्टिस? क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज या दे या इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, और मेल गैमेट्स को क्या बोल देते हैं? स्पर्म्स। और किसी जगह अगर सेक्स सेल्स लिखा हुआ है ये भी ठीक है। व्हाई टेस्टिस लिख लो, व्हाई टेस्टिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स और स्पर्म्स और सेक्स सेल्स। ठीक है, अब इन्होंने बना तो दिया, अब ये कैसे स्पर्म्स कैसे पेनिस तक आएंगे? ऐसे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो टेस्टीज ने स्पर्म्स बनाए हैं दे आर इमेच्योर स्पर्म्स। सो फ्रॉम हेयर द स्पर्म्स गो इनटू स्पर्म डक्ट। दिस इज वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट। ठीक है, इसमें एक ये ग्लैंड है, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है विच सिक्रीट सलाइवा, इसी तरह से एक ये ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, दीज आर सेमिनल वेसिकल्स विच सिक्रीट फ्लूइड। ठीक है, ध्यान से समझो पहले। पहले समझना है आपने और कुछ नहीं करना। ठीक, तो सेमिनल वेसिकल्स, और फिर यहां पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और फिर ये वास डेफरेंस यहां पे खुल रहा है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, और ये है ग्रीन कलर का यूरेथ्रा। मैं अभी एक और बड़ा सा डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक, तो दोबारा से मैं बात कर रही हूं, टेस्टिस ने जो है वो क्या किया है? स्पर्म्स बनाए, सिर्फ देखना है आपने। स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस दे मूव इनटू द स्पर्म डक्ट। दिस स्पर्म डक्ट रिसीव्स द फ्लूइड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स फ्रॉम प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। दिस स्पर्म डक्ट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कम्स आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, गोज इनटू पेनिस, एंड देन पेनिस पासेस आउट स्पर्म। अगेन आई एम शोइंग यू अगेन वन थिंग, दैट दिस इज, हम एक टेस्टिस की बात करते हैं, दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटल सैक, वन टेस्टिस लेट अस से, इसके पीछे दूसरी टेस्टिस भी होंगी। दिस इज टेस्टिस, फ्रॉम द टेस्टिस द स्पर्म दे पास
राइट यहां पर स्पर्म्स जा रहे हैं, दिस इज स्पर्म डक्ट। राइट एंड हियर इन द एब्डोमिनल कैविटी देयर इज प्रेजेंट दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। इन द यूरिनरी ब्लैडर दिस इज यूरेटर्स। जो ब्लैडर में यूरिन स्टोर करते हैं। ये स्पर्म डक्ट हमारी एब्डोमिनल कैविटी में गई। इस तरह से क्रॉस करती है यहां पर दे रिसीव सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। ओपन्स इन द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के बाहर क्या प्रेजेंट है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी सिक्रीशंस भी यूरेथ्रा में आती है। दिस इज ऑल यूरेथ्रा। एंड ये पेनिस, ठीक है जी। ये पेनिस को बेटा कई लेयर्स ने कवर किया हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जल्दी से माइक ऑन करोगे और मुझे फटाफट से बताओगे ये क्या है? जल्दी से जिस जिसको पता है बताते चलो। टेस्टिस। दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस। ये सिंगुलर इज आई एस। राइट दिस इज स्पर्म डक्ट। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्पर्म डक्ट? वास्ट डिफरेंस। दिस इज वास्ट डिफरेंस। सम अनदर स्टूडेंट, किसी और ने मुझे आंसर बताना है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। विच इज दिस स्मॉल ग्लैंड सेमिनल वेसिकल। बोलो सब, सेमिनल वेसिकल। देन यूरिनरी ब्लैडर से ये जो डक्ट बाहर आ रही है या पाइप आ रही है इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज कवर्ड बाय अनदर ग्लैंड। दिस इज प्रोस्टेट
प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी दिस यूरेथ्रा इज कवर्ड बाय मेनी लेयर्स ऑफ स्किन एंड द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज यस इट इज कॉल्ड एज पेनिस ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनो जेनिटल डक्ट इट ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि हैव यू ड्रॉन दिस डायग्राम इन योर क्लास यस स्कूल में की हुई है ये डायग्राम बनाया है सबने आई होप। और ये आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है तो अब हमने एक और चीज अब हम कर ले फटाफट से ध्यान देना इधर। मेल मेल का ये साइन भी होता है डू यू नो दिस साइन ऑफ मेल लिखो मेल का ये साइन है फीमेल का आपने कई जगह देखा होगा ये वाला साइन होता है दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई हैड टोल्ड यू इट हैज टू पार्ट्स फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यस टेल मी विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स टेस्टिस। टेस्टिस सेकेंड है डक्ट्स एंड ग्लैंड्स डक्ट्स एंड ग्लैंड्स में क्या आ जाता है बेटा डक्ट्स में आ जाता है वास डेफरेंस और दूसरा आ जाता है पेनिस और ग्लैंड्स में क्या आ जाता है सेमिनल वेसिकल्स और आपने पूरा लिखना है प्रोस्टेट ग्लैंड मेरी तरह से नहीं लिख देना है यू हैव टू राइट इट कंप्लीटली प्रोस्टेट ग्लैंड जल्दी से और फिर हम इसके फंक्शंस लिखेंगे क्विकली। स्पॉर्म्स यहां बने बहुत सारे स्पॉर्म्स ये कहां पे गए स्पॉर्म डक्ट में फिर कहां पे गए यूरेथ्रा में और फिर पेनिस में और पेनिस से बाहर मेल पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डक्ट्स एंड ग्लैंड्स ठीक है फंक्शंस लिख लो जल्दी से टेस्टिस टेस्टिस के आगे लिख लो प्रोड्यूस टेस्टिस के दो फंक्शंस है ऊपर टॉपिक लिखो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अब ये पता होना चाहिए दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो क्या क्या है फर्स्ट है टेस्टीज कैन यू टेल मी द टू फंक्शंस ऑफ टेस्टिस फर्स्ट इज प्रोड्यूस स्पर्म्स हां जी यस एट्थ बी देर इज वन बॉय आ जाओ
प्रोड्यूस ऑफ स्पर्म एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स। यस, वेरी गुड वेरी गुड बेटा. सो फर्स्ट इज प्रोड्यूस स्पर्म्स और मेल गैमीट्स. सेकेंड है सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन और इसका क्या नाम है, टेस्टोस्टिरोन. इज टेस्टोस्टिरोन प्रोड्यूस स्पर्म्स. सेकेंड है सिक्रीट टेस्टोस्टिरोन. सेकेंड पार्ट आ जाता है बेटा वास डिफरेंस. इट ट्रांसपोर्ट, क्या फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स अवे फ्रॉम टेस्टिस. ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स अवे फ्रॉम टेस्टिस. लिख लो, इंपॉर्टेंट है, समझो भी. एक पाइप है, पाइप क्या करती है, ट्रांसपोर्ट को, जैसे पानी की पाइप लगाते हैं. इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर. लाइकवाइज वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म्स. और रस्ते में उस पाइप में एक फ्लूइड आ गया, कहां से, सेमिनल वेसिकल से. थर्ड इज सिक्रीट न्यूट्रिटिव. फ्लूइड फॉर स्पर्म्स एंड पोर्स इन वास डिफरेंस. जैसे ये वास डिफरेंस जा रही है, यहां पे सेमिनल वेसिकल्स है, इसका फ्लूइड यहां पर आ गया, वास डिफरेंस में इसने रिलीज कर दिया. सो व्हाट डज सेमिनल वेसिकल सिक्रीट, न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर स्पर्म्स एंड पोर्स इनटू वास डिफरेंस. और यहां पे आप दोनों कर सकते हो. देन फोर्थ इज, एक और हम साथ ही लिख लेते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड. सिक्रीट्स अगेन न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर स्पर्म्स. सिक्रीट न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर स्पर्म्स एंड पोर्स इन यूरेथ्रा. ये याद रखना है, इट पोर्स इन वास डिफरेंस एंड इट पोर्स इन यूरेथ्रा. यू कैन सी हियर, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, इट पोर्स इन टू यूरेथ्रा, वेयर एज दिस इज सेमिनल वेसिकल्स, इट पोर्स फ्लूइड इन वास डिफरेंस.
एंड लास्ट इज पेनिस। इज द कॉमन डक्ट। राइट डाउन फर्स्ट अबाउट पेनिस। इट इज द कॉमन डक्ट फॉर पासिंग आउट यूरिन एज वेल एज सीमन। इट इज द कॉमन डक्ट फॉर पासिंग आउट यूरिन एज वेल एज सीमन। ठीक है जी, जल्दी से अब हम मैच द कॉलम कर लें। इनके फंक्शंस पे मैच द कॉलम आ सकता है। जल्दी से एवरीबडी शुड राइट डाउन। जल्दी से डू इट क्विकली। और मुझे आंसर देना है एर्थ ई। एर्थ ई में से बेटा, आई होप मुझे अब आवाजें आ रही है, या एर्थ एफ में से। एर्थ एफ बेटा, जूम से माइक ऑन करो मैम। जूम से माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। एर्थ एफ में। और लास्ट रो में जो गर्ल्स है वो आ जाए फटाफट से। लास्ट मिडल रो, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं वो आ जाओ जल्दी से। आ जाओ। आई थिंक 5 स्टूडेंट, 5 और 6 स्टूडेंट्स। पहले मैम जरा माइक ऑन करवाइए। बेटा आप जूम से माइक ऑन करो बच्चे। हाँ जी बोलो, जरा कुछ बोलो। हेलो। हाँ जी बेटा जल्दी से मुझे बताओ टेस्ट सीरीज का क्या फंक्शन आ जाएगा बेटा। ए बी सी डी ई एफ। जल्दी से एट से एफ के सारी गर्ल्स आ जाओ आगे, लास्ट 2 बेंचेस की। हाँ आगे का भाग हाँ जी बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या है? गया। इट इज सी, सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट गर्ल। हाँ जी नेक्स्ट गर्ल आ जाओ फटाफट से। आओ फटाफट, उसके बाद भी आगे आ जाओ फटाफट। सेकंड वास डिफरेंस का क्या फंक्शन है?
फास्ट डिफरेंस, जल्दी से कोई और नहीं बताएगा। यस नेक्स्ट, जिसको आता है वो बोले। हाँ फटाफट। फास्ट डिफरेंसेस, इट इज सी। सी तो नहीं है। टी भी नहीं है। सीधे होके बोलो बेटा, माइक कर लेगा, माइक ले लेगा आवाज। जोर से बोलोगे ना, माइक विल कैच योर वॉइस। हाँ बेटा, वास डिफरेंसेस स्पर्म डक्ट विच कैरी स्पर्म। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल, यूरेथ्रा। हाँ जोर से बोलो बेटा। यस बिल्कुल ठीक है, अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेनिस। ई ऑप्शन, यूरिनोजेनिटल डक्ट। नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल्स। कोई और बताओ। हाँ एनीबडी? यस जल्दी से भाग कराओ। सेमिनल वेसिकल्स, ई ऑप्शन डी ऑप्शन, दैट इज ओपन इन वास डिफरेंस। बिल्कुल ठीक है, बैठो। एंड लास्ट इज दिस वन। ठीक है जी, आई होप एवरीबडी हैज डन। और हम जल्दी से, क्योंकि मेल का हमने खत्म करना है, इसलिए मैं जल्दी से एक चीज और बता देते हैं। दैट इज एफ वाले बेटा, अपना माइक ऑफ करें जरा। गेमीट्स, रिमेम्बर दैट दीज आर ऑलवेज, लिख लो, ऑलवेज यूनिसेलुलर, एक सेल के ही बने हैं। दिस इज द ह्यूमन मेल गैमीट। बना लोगे? स्ट्रक्चर आपको आ सकता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल गैमीट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, बस क्लास खत्म हो रही है मैम। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। हेड में एक्रोसोम, न्यूक्लियस। ठीक है, बनाओ जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। फंक्शंस फ्री, और फंक्शंस आपने ये लिख के आने हैं। फंक्शंस ऑफ, फर्स्ट है
हेड ऑफ स्पर्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड टेल। ये फंक्शंस आपने करने हैं। और एक और होमवर्क है, बस देखें कल कौन करके रहता है। डिफरेंस इन स्पर्म्स एंड सीमन, डिफरेंस इन स्पर्म्स एंड सीमन। ये डायग्राम बनाओ और ये फंक्शंस एज वेल एज डिफरेंस, बिकॉज एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, ये एक वैसे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड दे विल डेफिनेटली कम इन द एग्जाम्स। समझ में भी आएंगी। ठीक है जी, आई होप यू हैव डन दिस राइट। सो आई विल शो यू, कल जो है मैं एक एनिमेशन आपको दिखाऊंगी कि कैसे स्पर्म्स मूव करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस से कैसे ऊपर जाते हैं, दैट आई विल शो यू टुमारो। बट ये करके आओगे, कोई मुझे बता देगा फटाफट से स्पर्म्स एंड सीमन में क्या फर्क है विद इन 1 मिनट? एनीबडी? बेटे स्पर्म, ध्यान से देखो, फिर मैं कल दोबारा से रिपीट करूंगी। जो टेस्टिस में से निकले वो सेल्स निकले, स्पर्म्स निकले, और रास्ते में स्पर्म्स को क्या मिला? फ्लूइड्स मिले, सेमिनल वेसिकल्स में से, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड में से। तो सीमन क्या चीज है? एक फ्लूइड है जिसमें स्पर्म्स स्विम कर रहे हैं। सो स्पर्म्स आर मेल गैमेट्स, वेयर एज सीमन इज मेल गैमेट स्पर्म्स प्लस फ्लूइड। Is it okay? I will repeat tomorrow also. आपसे ही पूछूंगी, ठीक है? So we will continue this tomorrow also. Thanks. Thank you, teachers. Bye bye.